हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेस लाइन निकालेंगे। यहाँ से मैंने एक बेस लाइन निकाली और इस बेस लाइन पे मैं कहीं पे भी एक पॉइंट लेता हूँ और उस पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर रखकर मैं थ्री एक्सिस निकालूंगा। अभी यहाँ पे मैं प्रोट्रैक्टर रखता हूँ, यहाँ से मैं एक 30 डिग्री का पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं 90 डिग्री का पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं 30 डिग्री का पॉइंट लेता हूँ। अभी ये थ्री पॉइंट्स मार्क करने के बाद ये जो ओरिजिन पॉइंट है हमारा ओ, वहाँ से मैं ये तीनों पॉइंट्स तक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से मैंने फेंट लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये भी लाइन मैंने ड्रॉ की और यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये थ्री लाइंस ड्रॉ की मैंने, ये है हमारी आइसोमेट्रिक एक्सिस। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस होता है। अभी क्या करेंगे हम, हमें रेक्टेंगुलर निकालना है तो हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, एक लेंथ, दूसरी विड्थ और तीसरी हाइट। लेंथ हमने ली है 60 mm, विड्थ ली है 30 mm और हाइट हमने ली है 100 mm। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Z एक्सिस पे मैं 30 mm का एक पॉइंट लेता हूँ जो है हमारी विड्थ। अभी ये ओरिजिन पॉइंट से मैं 30 mm पे एक पॉइंट लेता हूँ। परफेक्ट आए इसलिए मैं कंपास में लूँगा। देखो इधर आया था थोड़ा, तो मैं 30 mm कंपास में लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कंपास में यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ 30 mm का, और 60 mm का हमें पॉइंट मार्क करना है जो है हमारी लेंथ, वो एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे हम। यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से मैं 60 mm का भी पॉइंट मार्क करता हूँ। अभी जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए, एक्स एक्सिस पे है हमारी लेंथ तो मैं उसको डार्क करता हूँ, और वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे हमारी विड्थ तो मैं उसको भी डार्क करता हूँ। अभी ये डार्क करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो हमारी विड्थ है मैं कंपास में लेता हूँ और इस पॉइंट से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद जो हमारी लेंथ है यहाँ से ये मैं कंपास में लेता हूँ और यहाँ से पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, आर्क ड्रॉ करता हूँ। अभी ये पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट मैं यहाँ पे फेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, फेंट। और फेंट क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी मैं फेंट ड्रॉ करूँगा। ये हमारा बेस तैयार हो गया। प्रिज्म आपको पता है, बेस और टॉप जिसका सेम होता है वो होता है प्रिज्म। अभी ये हमारा बेस बन गया। अभी हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। यहाँ पे मैं हमने वाई एक्सिस निकाला है, वही हमारा एक पॉइंट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल एंड ड्रॉ रखकर हर एक पॉइंट्स, जो हमारे चार पॉइंट्स है वहाँ से हर एक पॉइंट से फेंट लाइन मैं ऊपर की तरफ निकालता हूँ। यहाँ से हमने निकाली, मैं एक्सटेंड करके लेता हूँ क्योंकि हमने हाइट थोड़ी ज़्यादा ली है 100 mm की। तो यहाँ से मैंने फोर वर्टिकल एक्सिस निकाले हैं चारों पॉइंट से रेक्टेंगल के। अभी वहाँ हमें हाइट मार्क करनी है, हमने हाइट कितनी ली है 100 mm, तो मैं कंपास में 100 mm हाइट ले लेता हूँ। अभी इस ओरिजिन पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ किया 100 mm, यहाँ से भी 100 mm, यहाँ से भी 100 mm और यहाँ से भी हमने 100 mm पे आर्क मार दिए। अभी क्या करेंगे, हमें जैसा हमारा बेस है वैसा ही हमारा टॉप आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, रोल एंड ड्रॉ इस एक्स एक्सिस को पैरेलल रखता हूँ, ऊपर की तरफ खींचता हूँ। आप देख लीजिए ए पॉइंट और ये पॉइंट मैच हो गया। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी ये लाइन हम डार्क ड्रॉ कर रहे हैं। डार्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रिज्म है उसका टॉप हमें पूरा दिखने वाला है। अगर हमारे सामने हम प्रिज्म रखते हैं तो उसका जो टॉप है हमें पूरा दिखने वाला है, तो हम वो हमें विजिबल है, इसलिए हम पूरा डार्क निकालेंगे, क्योंकि हम विजिबल लाइंस डार्क लाइन से दिखाते हैं और इनविजिबल लाइंस जो रहती है हिडन लाइंस, वो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो अभी ये कॉर्नर हमारा सामने आने वाला है जो हमें दिखता है, विजिबल है, तो डार्क निकालेंगे। ये कॉर्नर भी हमें विजिबल है तो ये भी डार्क निकालेंगे। ये कॉर्नर भी विजिबल है तो ये भी डार्क निकालेंगे। अभी ये जो कॉर्नर है, अगर हमारे सामने प्रिज्म रखेंगे तो वो ये कॉर्नर उस तरफ रहेगा जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो यहाँ से
यहाँ तक ये जो पॉइंट है यहाँ तक ये हम डॉटेड लाइन से निकालेंगे। डॉटेड लाइन क्यों? क्योंकि हिडन लाइन हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये कॉर्नर उस तरफ है, इनविजिबल है, तो इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे जो भी लाइन जॉइंट होती है हमारी कॉर्नर ये पॉइंट पे, वो सब हिडन लाइन रहेगी, वो डॉटेड आएगी, क्योंकि ये लाइन भी हमें सामने से नहीं दिख रही है, ये भी नहीं दिख रही है, तो हम ये सब डॉटेड लाइन से निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये भी डॉटेड लाइन आएगी, इस तरीके से हमने डॉटेड लाइन निकाली। इसके बाद हमारी स्टेप क्या रहेगी, हमें डायमेंशन देने हैं। तो मैं डायमेंशन आपको पता है किस तरीके से देते हैं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ बाहर की तरफ, इस लाइन को भी एक्सटेंड करता हूँ। डायमेंशन लाइंस हमेशा फेंट लाइन रहती है, तो फेंट यहाँ से इस लाइन को पैरेलल मैं एक लाइन निकालता हूँ यहाँ पे, और फेंट लाइन निकालने के बाद एरो निकालूँगा, और हम यहाँ पे कितना है 30 mm, तो यहाँ पे मैं 30 की लेंथ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें दिखानी है हमारी लेंथ, ये थी विड्थ, तो यहाँ पे भी मैं डायमेंशन दिखाता हूँ कितना है। हमेशा ये पैरेलल लाइन होनी चाहिए, यहाँ से मैं एरो दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एरो, और ये है हमें 60 mm की लेंथ। अभी हाइट दिखानी है हमें यहाँ पे, तो ये भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन निकालूंगा, यहाँ पे एरो दिखाऊंगा, तो जिस भी तरफ हमें दिखाने हैं डायमेंशन, तो ये 100 mm डायमेंशन में यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बाहर की तरफ दिखानी होगी, यहाँ से 100 mm एक्सटेंडेड लाइंस में इरेज करता हूँ। ये बन गया हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बहुत ही सिंपल है, आप एक ही प्रैक्टिस में सीख जाओगे। थैंक यू।